को इनको पावर मिली है, सरकार से ऑर्डर उसी हुआ है, कैबिनेट से नियमावली पास हुई है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को हम नोएडा प्राधिकरण को संपूर्ण रूप से बंद करेंगे, क्योंकि जो हमारे करार इनसे पहले हो चुके हैं, जो पहले हमने धरना प्रदर्शन किया उसमें जो एक कमेटी बनी उसमें सिर्फ 3 महीने का समय किसानों से मांगा गया था। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 49 बरोला गांव में मौजूद हैं और यहां पर भारतीय किसान मंच के कई युवा कार्यकर्ता और तमाम संगठन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरह से वो अपनी मांग सरकार और अधिकारियों के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय मंच के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और वो प्रशासन और शासन से क्या कुछ चाहते हैं। अध्यक्ष साहब, साफ तौर पर आपका ये मंच जो है वो सजा हुआ है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और किस तरह से आप आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं? देखिए, धन्यवाद पहले तो आप लोगों का हमारे बीच में आए। बड़ा स्पष्ट मांग हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा है करार। जब हमें एक्विजिशन हुआ तो एक्विजिशन की कोई करार की जो कंडीशन थी उसमें 3 कंडीशन बड़े स्पष्ट रूप से थी। एक तो ये कि उस दिन का जो पैसा था वो हमें मिला, 10% पैसा हमारा काट लिया गया, तो 10% के एवज में एक रिहेबिलिटेशन वाला जो पार्ट होता है, जो जमीन जाती है, 10% का एक प्लॉट देना होता है। पहले तो उन्होंने बोला कि 5% का प्लॉट देंगे, 10 का हम नहीं देंगे। फिर माननीय न्यायालय के आदेश आया कि सबको समानता के आधार पर 10% का प्लॉट देना चाहिए, क्योंकि 10% आपने जमीन काटी है। तो सबसे पहली मांग तो यह है कि पैसे वाला पार्ट सेटल हुआ है, रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट जो हमारा 10% पैसा कटा है उसके एवज में हमें 10% का प्लॉट दीजिए। दूसरा, जिस दिन लैंड एक्विजिशन हुआ इन्होंने बिना सर्वे के हमारी आबादियों का अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि अधिग्रहण हमेशा एग्रीकल्चर लैंड का होता है, हमारे घरों का नहीं होता। तो जो गलत अधिग्रहण इन्होंने करा है, जिन खाते खसरों में किसानों की आबादियां बनी हुई हैं पूरे 81 गाँव में, उनका इनको विनियमीकरण किया जाए। अब विनियमीकरण क्या है? विनियमीकरण वो प्रोसेस है जिसके द्वारा उसको किसानों को वापस दिया जाना है। और अगर कुछ गलत ही नहीं होता तो वो पॉलिसी क्यों बनती? 2011 में पॉलिसी बनी है। एक वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आबादी का विनियमीकरण खसरावार सर्वे करें। ये बार बार पॉलिसी के चक्कर में 450 मीटर से 1000 मीटर के चक्कर की बात करते हैं, बिल्कुल गलत है। आप गांव के चारों तरफ आइए, खसरे का सर्वे कीजिए, आबादी बनी हुई है खसरे को नोट कीजिए, उसका बोर्ड मीटिंग में अनुमोदन कीजिए। तो जो 3 मांग स्पष्ट रूप से, 5% के प्लॉट, 10% के प्लॉट और जो हमारा आबादी का विनियमीकरण शुरू किया जाए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, ये इन्होंने हाई पावर एक कमेटी बनाई है, बार बार हाई पावर कमेटी का ये सहारा लेकर, जो वर्तमान CEO लोकेश एम है और उनके साथ जो OSD महेंद्र प्रसाद है, उन्होंने उसको ऐसा मोहरा बना लिया है कि जो 5% के प्लॉट जिनका अनुमोदन है अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लॉट पड़े हुए हैं उनको कहीं जाके ये कहीं समायोजित नहीं कर रहे हैं, उसका नियोजन नहीं कर रहे हैं, जो 5K में आबादी का विनियमीकरण हो रहा है उसको नहीं कर रहे हैं। और बड़ा स्पष्ट है, हमारा कोई ये नहीं कि हर चीज़ डेटा से होता है, आप पिछले 7 साल का डेटा इनसे मांगिए और उससे 7 साल का डेटा इन तीनों हेड के अंदर, कितने 5% के प्लॉट मिले, कितने इन्होंने 10% का मुआवजा माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद दिया, कितना इन्होंने आबादी का विनियमीकरण करा, इनसे पूछिए तो सबको पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की हो रही है। और सवाल 10 तारीख को लेकर काफी ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, 10 तारीख को ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा और नोएडा अथॉरिटी को क्या इस नॉलेज में है कि इतने बड़े पैमाने पर यह संगठन किया जा रहा है और जो भारतीय किसान मंच है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, समाचार पत्रों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हम कोई चुप चुप के हमें कोई काम नहीं करना है। कल हमने तो इतना खुलापन अपने विचारों में लेके आए, कल हम माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, नेता जो हमारे हैं उनके यहाँ पर गए, हमने बोला कि बार बार आंदोलन होने से, यूथ के बाहर निकलने से, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, कोई प्रॉब्लम, देखिए सिचुएशन को, इंसिडेंट को एक्सीडेंट में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। आप दोबारा युवा को, क्षेत्र के युवा को बागी बनाना चाहते हैं या उसको कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप खराब करना चाहते हैं कि हमारे मुद्दों को ठीक नहीं करवाना चाहते। हमें अपेक्षा यह, हमें सरकार से अपेक्षा नहीं है, जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनको पॉलिसी समझ में आनी चाहिए, उनको ड्यूटी पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या हमें काम कर रहे हैं। वो लेते हैं और सरकार के ऊपर सारा झोल डाल देते हैं, जबकि सरकार ने अधिकारी नियुक्त किया हुआ है और अधिकारी के काम करने के लिए पॉलिसी बनी हुई है, उसको एक्सरसाइज कोई मुख्यमंत्री महोदय या प्रधानमंत्री महोदय तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले जो अधिकारियों का नकारापन है, यहाँ पर जो लोकेश एम CEO हैं वो बार बार बोलते हैं कि अगर हम किसानों के काम करेंगे जेल चले जाएंगे, इसका मतलब उनको डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं आता। उनके एक सहकर्मी हैं महेंद्र प्रसाद जी, वो लगातार किसानों से पहले कहते थे हम काम कर रहे हैं, ठीक है जाइए जाइए, अब गाली गलौज पे वो उतारू हो गए। वो ऐसे अधिकारी जो हैं, ऐसे अधिकारी वो सरकार के लिए भी एक दाग है और किसानों के लिए तो एक बहुत बड़ा दाग है कि जो हमारे हकूक से रोजाना की। और एक बात मैं बताऊँ, हमारी सिविक बॉडी, हमारे यहाँ पे जिला विधायक से हमारी लोकतंत्र शुरू होता है। अगर मैं डाउन हायरार्की की बात करूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूँ, उससे नीचे मैं प्रधान की बात करूँ, BDC की बात करूँ, और कोई सिविक बॉडी नगर महानगर या नगर पालिका नहीं है, तो हमारी सिविक बॉडी का ये हाल है। सेक्टर में RWA बना हुआ है, उनके लेटर हेड पर काम हो जाता है, ग्रामीण में कोई RWA भी नहीं है,
वो कैसे काम करें। आप गांव की स्थिति ऐसी बदतर हो गई है, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी आबादियों का अधिग्रहण कर लिया गया है, उनको कहते हैं कि इस जमीन पर तो आपका नाम ही नहीं है, आपने गलत अधिग्रहण कर लिया है, इस पर तो अगर हम सड़क डालेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, स्लम कन्वर्ट हो रहा है। और जितना आपको पता है नोएडा कितना बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियाँ रोजाना आ रही हैं, क्या कोई यूथ हॉस्टल है, क्या कोई हमारे श्रमिकों के लिए कोई ऐसा लाल फ्लैट बने हैं क्या पिछले 7 साल, क्या पिछले 10 साल में लाल फ्लैट नहीं बने। जो भी काम हो रहा है, 5 करोड़ का फ्लैट, 7 करोड़ का फ्लैट, कल्पतरू आ गया, L&T आ गया, स्काई मार्क आ गया, एक्सपीरियंस बिल्डर आ गया, मतलब एक बड़ी चीजों की तरफ शहर जा रहा है, छोटी सुविधाओं के लिए, छोटे उन मझोले कारीगरों के लिए जिनको अपनी इंडस्ट्री में तो काम करा लेते हैं, रखता गांव है और गांव में वो स्लम कन्वर्ट होता है, जहां अगर विकास नहीं होगा तो ना हम रह पाएंगे ना श्रमिक रह पाएंगे, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होने वाला है इनके गलत नीतियों की वजह से। आपने सुना कि किस तरह से जो अध्यक्ष महोदय हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नोएडा की जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी हैं, वो सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, पेपर वर्क जो है वो सही रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है, क्या भारतीय मंच जो लगातार इन कामों को लेकर प्रयास कर रहा है उसको लेकर नोएडा अथॉरिटी और अधिकारी आगे बढ़ेंगे और जो एक सुलह का पहल जो भारतीय मंच चाहता है वो होता हुआ नजर आएगा। नोएडा प्राधिकरण पर दो ही मुद्दे हैं, एक आबादी का मुद्दा है जो इन्होंने हमारे घरों को अधिग्रहण कर लिया है, उसका आबादी का सुलझाने का मुद्दा है। उनको इनको पावर मिली है, सरकार से ऑर्डर उसी हुआ है, कैबिनेट से नियमावली पास हुई है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है 10% का, हमारा इन्होंने 90% का मुआवजा दिया है, अभी हमारा 10% का जो प्लॉट के रूप में देना है उसको नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि अभी हाल में ही इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ के जो है ये कॉमर्शियल ज़मीन बेच रहे हैं, किसानों के नाम पर कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो हमारे मुख्यतः दो ही मुद्दे हैं जो ये सॉल्व करने, इनको पावर है करने की और ये कर नहीं रहे, जो हमारा डॉक्यूमेंटेड ड्यू है उसको ये देने के लिए इनकी मंशा ठीक नहीं है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बिल्डरों का काम करते हैं किसानों का, आज तक 7 साल में इन्होंने 5 काम भी नहीं किए इन्होंने, तो इसलिए किसान जो इसलिए उनमें आक्रोश है कि किसानों का काम बिल्कुल इन्होंने नकार दिया, इनकी मंशा ठीक नहीं है। तानाशाही जो प्राधिकरण है लगातार इसके जो आज से नहीं बहुत काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही है, यहाँ लगभग जो 10 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है ऐतिहासिक आंदोलन होगा और ये अंतिम आंदोलन समझा जाएगा, क्योंकि इसमें 7 राज्यों से लगभग हमारे किसान चलकर आएंगे और पूरे ज़िले में की कार्यकारिणी हमारी जितनी भी है पूरी कई टीम लगी हुई हैं जो गांव-गांव जाकर पंचायत कर रही है, सबको जागरूक कर रही है और 10 तारीख को जो हमारे करार हैं कहते हैं उससे पहले पहले पूरे करें, नहीं तो इनको अब जो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब ईट से ईट बजाने काम करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश जितने भी जिले कार्यकारिणी हैं सबको सूचित कर दिया गया है, सभी तैयारी के साथ अपने ट्रैक्टरों के साथ जो भी जैसी व्यवस्था होगी सब लोग पहुंचने का काम करेंगे और इस प्राधिकरण को घेरने का काम करेंगे, तालाबंदी करने का काम करेंगे। आने वाली 10 तारीख को हम नोएडा प्राधिकरण को संपूर्ण रूप से बंद करेंगे, क्योंकि जो हमारे करार इनसे पहले हो चुके हैं, जो पहले हमने धरना प्रदर्शन किया उसमें जो एक कमेटी बनी उसमें सिर्फ 3 महीने का समय किसानों से मांगा गया था कि 3 महीने के अंदर ही आप लोगों को बता दिया जाएगा आपकी कौन कौन सी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन आज 8 से 9 महीने बीत जाने के बाद भी किसान के हाथ खाली हैं। तो हम इन्हें फिर चेता रहे हैं कि हम नोएडा प्राधिकरण को बंद करेंगे और ये जब भी नहीं माने तो हम दिल्ली कूच करने के लिए पूरे स्वतंत्र हैं और पूरी मजबूती के साथ 10 तारीख को नोएडा प्राधिकरण पर पहुँच गए। नोएडा प्राधिकरण लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में हमारी लगभग 10 दिन से गांव-गांव जाकर पंचायतें शुरू हैं, पूरा जन जागरण का अभियान चला हुआ है। आज उसी क्रम में आज हमारी बरौला गांव में पंचायत हुई है और हम लोग आने वाली 10 अक्टूबर को बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में नोएडा प्राधिकरण पर पहुंच रहे हैं और नोएडा प्राधिकरण पर पहुंचकर अपने हक और हकूक की बात करेंगे। जो नोएडा प्राधिकरण से हमारा करार है, जब हमारी ज़मीनें एक्वायर हुई, हमारी ज़मीनें एक्वायर होने में हमारे नोएडा प्राधिकरण का हमारा करार था, हमारे 10% का पैसा काटा गया, उसके हमें प्लॉट देने थे नोएडा प्राधिकरण को, जो लगातार नोएडा प्राधिकरण उनको अनदेखा कर रहा है। और नोएडा प्राधिकरण के जो गांव हैं, गांवों पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कोई देखरेख नहीं है, नाली सीवर बिजली पानी की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। आप जाकर देखेंगे बरौला गांव में अंदर तो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितने बच्चे गिर जाते हैं, सीवर उबल रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति और परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। उनकी एक एक गली एक एक चौपट पर जाने का काम और संगठन को घर घर पहुँचाने का काम सुरेश त्यागी जी करते हैं, एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में मेरे युद्ध के उपाध्यक्ष गांव झट्टा से भाई उमेश जी, एक बार जोरदार ताली। साथियों यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी, पंचायत के अध्यक्षता कर रहे मेरे
बाबा जी सभी मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य और मेरे छोटे बड़े साथी सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों वो खून बहे किस मतलब का जिसने उबाल का नाम नहीं, वो खून बहे किस मतलब का जो आ सके देश के काम में, वो खून बहे किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है और जब परवस होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। साथियों वास्तव में चाहता हूं अपने आप को पहचानने की, अब देखिए मैं मानता हूं आज 12 तारीख गांधी जयंती का समय है, लेकिन याद करो वीर भगत सिंह को, याद करो वीर सावरकर को, याद करो वीर सूरमाओं को जिन्होंने 90 वर्ष में इस देश के लिए संघर्ष करा और संघर्ष करते करते सिर्फ मांगा इस देश के लिए स्वतंत्रता, आजादी मांगी इस देश के लिए कि चैन से जी सके, चैन से उठ सके, समय समय पर अपने इच्छानुसार कहीं भी जा सके। साथियों उन्होंने उस समय लड़ाई शुरू करी जब गौर अंग्रेजों का राज, गौर अंग्रेजों की प्रताड़ना हमारे देश पे हमारे लोगों के साथ माता बहनों के साथ में थी। साथियों याद करो वह दिन हमारी माता बहनों के साथ किस तरीके से परवरता हमारे देश में हुआ करती थी। साथियों लेकिन कहा गए वह जवानी, कहा गया वह युद्ध, कहा गया वह सारे की चिड़िया का मेरा हस्ता खेलता नौजवान। साथियों आजाद हिंदुस्तान में भी अपने अधिकारों से वंचित है, जहां अपने हक के लिए साथियों माता बहनों को रोड पर आना पड़ता है, जहां नौजवान साथियों को जहां शिक्षा चिकित्सा और देश के विकास गति बनाने की बात करनी पड़ती हो, आज वही युद्ध वही माता बहने वही बड़े बुजुर्ग साथियों लाचार है अपने करार को पूरा कराने के लिए। वास्तव में समय समय पर लड़ाई हुई, मजबूती से लड़ाई हुई इस क्षेत्र में। मैं नमन करता हूं अपने युवाओं को, प्रधान जी आप बाकी भवन में आपके सामने बच्चा हूं, बाबा जी यहां बैठे, गांव की सरकार यहां बैठे, साथियों पूरे क्षेत्र के लोग यहां बैठे हैं। साथियों हरियाणा से लेकर काम कश्मीर डेरी गुजरात तक के लोग यहाँ बैठे हैं। साथियों बड़ी तादाद में युवा बैठे हैं। साथियों यहाँ पे मैं पूरे वक्त 2001 के आंदोलन बैठे यहाँ पे चाचा जी बैठे हैं, मैं पूरे पुराने वासियों, मैं पूरे मेरे बड़े नौजवान साथियों 2001 में यही वो पान भरा है जहाँ पे मजबूर होकर तानी सही सरकार को आप सबने घुटने टिकवाने का काम करा था। साथियों तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को आपके सामने आना पड़ा। साथियों बड़ी बड़ी हस्तियां जब भूलते हुए मायावती की अगर बात करें, साथियों कोई ऐसी देश में हस्तियां नहीं थी साथियों जो आपके बीच में आने का काम ना करे। और मैं नमन करता हूं इस अपने पैतृकों अंग्रेजों की धारा को जो हमेशा संघर्ष में रही है, हमेशा संघर्षरत रही है। साथियों अपने ग्राम वाले अपने ग्रामवासियों से कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने हमारे भारतीय संविधान को मंच को हम आज ऐसे स्वरूप करके भेजे कि हम इनके साथ कंधे से कंधा लगा के आने वाली 10 तारीख को अथॉरिटी पे चले गए, अथॉरिटी से अपना जिन्हें अपना हक लिया देगी, जैसे भी शहीद भरत सिंह ने जब अंग्रेज नहीं पूछते थे हमें प्रताड़ित करते थे, हमारा शोषण करते थे, तो उन्होंने सभा के अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित बरौला गांव और मेरे क्षेत्र के समस्त सरदारी शक्ति को नमस्कार। मैं केवल समय खत्म कर दूं गजेंद्र भाई, मैं तो केवल बरौला के लोगों से इतना पूछना चाहूंगा कि जब जहां बैठे हैं और यहां से 49 तक थाने के वहां तक जब जेसीपी चलने की बारी थी, जिस तरह क्षेत्र आपके साथ था, क्या आप 10 तारीख को उतनी तादाद में वहां आएंगे
इस क्षेत्र को जो और गांव है और आपकी भी समस्या है, क्या उसमें सहभागिता निभाएंगे? केवल 10 तारीख को ही पता लगेगा क्या बरोला का जितना साथ इस क्षेत्र ने दिया है, क्या बरोला के लोग अभी भी उतने जागरूक, ताकतवर और अपना हक लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय, मेरे बड़े भाई अजन भैसोया जी, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, पूरे क्षेत्र से आए हुए गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने न केवल संघर्ष को देखा है बल्कि संघर्ष को किया। मेरे संघर्ष के साथी सत्येंद्र शर्मा जी, एनटीपीसी के अध्यक्ष, आपके बीच में का जोड़ना पाकिस्तान का स्वागत कीजिए। साथ ही साथ गांव भरोला की समस्त सरदारी युवा साथियों और भारतीय किसान यूनियन मंच की सभी युवाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं और मंचा से और पंचायत में आए सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं मंच के माध्यम से अपना नमस्ते बोलता हूं। वैसा तो आज सभी जो साथी वर्ष से पहले जो मेरे वक्ता थे, चाहे मेरे संगठन से थे या आदरणीय एडवोकेट जयकरण जी, जिनको मैं अनुसरण भी करता हूं, क्योंकि अगर आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में या संगठन के जीवन में है तो आदमी कभी ना कभी किसी के विचार से प्रभावित होता है, क्योंकि इतिहास केवल दो चीजों के लिए लिखा जाता है और वो केवल दो चीजें बताता है कि जो वो दरवाजे, वो परिस्थितियां, वो प्रैक्टिस या वो चीजें, वो व्याख्यान या वो विचार जो समाज में परिवर्तन ला सके, देश में परिवर्तन ला सके, उनको वहां से आत्मसात कीजिए और वो चीजें चाहे सामाजिक भेदभाव की हो, राजनीतिक भेदभाव की हो, धार्मिक भेदभाव की हो, ये वो वजह जो इतिहास में कुरूति के रूप में लिखी गई हो, उनको दोबारा अपने भविष्य में, अपने देश में, देशकाल में, मध्यांतर में, विश्व में उनको कभी दोहराना है। केवल दो चीजें इतिहास बताता है। और आज हम ऐसे गांव में खड़े हुए, ऐतिहासिक बरोला गांव, जहां से मेरे संगठन के साथियों की फरिश्त जो हर दिन लंबी होती जा रही है, मेरे छोटे भाई आशीष चौहान हो, भाई गजेंद्र बैसोया हो, एके भाई हो, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अमित बैसोया जी हो, और आप दो तीन चार लोग अभी जो आपने बोले, कहते कि एक अकेला सबको भारी, आजा भैया मानिए बरोला गांव की बारी। अब कारण बताओ क्यों? हर एक क्षेत्र में एक ऐसा गांव होता है जो क्षेत्र की दशा और दिशा तय करता है। मैं आदरणीय विकल जी के जमाने से बात करूं, वो यहां पर रहे, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर अगर मैं राष्ट्रीय पटल की बात करूं तो उनका यहां पर एक बहुत बड़ा नाम रहा और कई बार एक बार वाक्य बताते कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी तक इस गांव में आगे गई और साथ ही साथ दो बार के विधायक हमारे बीच के सतपुर चौधरी जी, जो सरदार महेंद्र सिंह, वही वाला सरदार महेंद्र सिंह जिसके घर से 7 करोड़ का हीरा निकला, जो आज कम से कम 25 से 50 करोड़ का मालिक है उसी सरदार से, जब सेक्टर 70 के प्लॉट के जनरल प्लॉट लगाए, बोलो भाजी जनरल का सेक्टर है, अरे अपने बाप बाहर से लेके आया, ये किसानों का सेक्टर है, किसानों के प्लॉट लगाए जाए, लेकिन सारे किसानों के प्लॉट सेक्टर 70 में लगे। साथियों, ये होता है कि अपना मारे झूठ मांगे रहे, लेकिन एक बात आपको आत्मसात करनी पड़ेगी, शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, अपनी पौड़ियों के माध्यम से, ये जाति पाति का जो बंधन क्षेत्र में बीच में जोड़ा, एक राजनीतिक व्यक्ति में सांसद के रूप में उसका नाम लूंगा, सबसे पहले क्षेत्र में आया तो कहता था ये गुर्जर जाति जो है ये सब पर जुलम कर रही है और सारी जातियों को मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। जब देख लिए इनके आचार विचार में वो कॉमरेड को
और अंदर से पार्टी की काम जो कलेक्टर को बोलते थे कि बालू प्रधान जी बाहर आए हैं और अपनी कुर्सी है डलवाते थे तो कलेक्टर अंदर बात नहीं करता था, बाहर आके बात करता था, उस काम को की बात करता था। अब हमें बनाते, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है। अब काम होगा या तो सही तरीके से हो या अराजकता से हो, या तो संवाद से हो या शस्त्र से हो, या तो प्राधिकरण से हो या सरकार से हो। अब हम नोएडा प्राधिकरण को बाईपास करेंगे और अब हम भी विधायक और सांसदों को बाईपास करेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि 25 करोड़ विधानसभा में नहीं बैठ सकते, 150 करोड़ लोकसभा में नहीं बैठ सकते। विधायक चाहे उसमें विधायक हो या सांसद हो या उच्च सदन हो, वो इसलिए चुने जाती है। ये चंद लोग जो चुने गए हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखेंगे और समाधान कराएंगे। और जब विधायिका अपना काम न करे, न्यायपालिका से बार बार हमारे ऑर्डर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो अपना काम करना बंद कर दे तो संगठन को स्वतः अधिकार मिल जाते हैं कि वह कूच करे उन संस्थानों में जाकर बैठे जहां से नीति निर्धारण होता है। इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एक नई सोच के साथ, एक नए कलेवर के साथ, एक नए तरीके के साथ जो भी हमसे बन पड़ेगा नोएडा प्राधिकरण को बाईपास करेंगे। अगर विधायक और सांसद हमारे बीच में हमारी बातों को नहीं मानते तो इनको बाईपास करेंगे, और अगर शासन प्रशासन पुलिस या ब्यूरोक्रेसी हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय से हमारे समाधान नहीं कराते हम उनको बाईपास करेंगे। और अब की बात उन संस्थानों में जाकर बैठेंगे जहां से नीति निर्धारण होगी और वो नीति निर्धारण आम जनमानस करेगा, ये आम जनमानस वहां बैठ के अपनी बात रखेगा। इसलिए इस ऐतिहासिक गांव से जिसने हमेशा नजीर पेश करी है, जिसने बताया कि सरकारी विद्यालय क्या होते हैं, सरकारी चिकित्सालय क्या होते हैं, इस गांव से हमें उम्मीद है कि आज भी हमें नेतृत्व मिलेगा। इस गांव में कहते हैं 36 बरादरी रहती है, उन 36 की 36 बरादरियों से जिनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी काम आए हैं या कोई हमसे अपेक्षा रखता है, उनसे एक अनुरोध करते हुए, एक समर्थन की अपील करते हुए कि आने वाली 10 तारीख को आइए और देखिए कि आपके बच्चे, आपके क्षेत्र के पढ़े लिखे बच्चे, ये बड़े बुजुर्ग, आपका होश काम करेगा, हमारा जोश काम करेगा, संगठन की कलम काम करेगी और अब की बार हम समाधान के साथ वहां से आएंगे। साथियों देखे 10 तारीख में भारतीय किसान यूनियन मंच अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे कार्यकारिणी के साथ और क्षेत्र जनसमूह के साथ हम नोएडा प्राधिकरण पर पहुंचेंगे। पहुंचकर जो हमारे पूर्व में करार हैं नोएडा अथॉरिटी पर 10%, 5% और आबादी के जो हमारे डॉक्यूमेंट्री ड्यूज, देखिए मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री ड्यूज हमारी कोई नई मांग नहीं है, हम कोई झोली फैला के कोई मांगने निवेदन करने नहीं जा रहे हैं। जो हमारा नोएडा अथॉरिटी पर हमारा ड्यूज़ है, एक्विजिशन के समय के जो हमारे करार हैं, हम उन पर सभी 1976 में नोएडा अथॉरिटी की स्थापना हुई, 2024 में हम खड़े हैं। आज तक जो किसान का हक और अधिकार मारा गया है, उन सभी को हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए 10 तारीख में इकट्ठा होकर नोएडा प्राधिकरण कूच करेंगे। तो आपने सुना कि भारतीय किसान यूनियन मंच के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नोएडा अथॉरिटी के अंदर अधिकारी हैं वो दरअसल जो है पेपर वर्क सेक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 अक्टूबर की तारीख जो है वो भारतीय किसान यूनियन मंच के तमाम लोगों ने दी है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को अथॉरिटी के ऊपर कूच करेंगे और वहां पर अपने हक की बात रखते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि अधिकारियों के बीच में और किसानों के बीच में किस तरह का समन्वय बैठता है। सरताज हुसैन के साथ मैं शाहनवाज मिर्जा, नोएडा।